सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण उर्वरक यूरिया के बारे में जानेंगे, जो किसान भाइयों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है और संपूर्ण नाइट्रोजन का लगभग 90% यूरिया के रूप में ही कारखानों में निर्मित होता है और सबसे अधिक इसको प्रयोग किया जाता है। इसमें यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, NH2 समूह के रूप में नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। तो इस वीडियो में हम यूरिया के संगठन, इसके गुणधर्म, मृदा में होने वाली अभिक्रियाएं और इसके फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यूरिया के बारे में हम जानते हैं, दैनिक जीवन में हमने देखा भी है, हमने उपयोग भी किया है। ये दानेदार श्वेत प्रकार का उर्वरक होता है, श्वेत दानेदार रूप में पाया जाता है और इस प्रकार की इसकी पैकिंग होती है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें नाइट्रोजन लिखी हुई 46%। तो यूरिया में सबसे अधिक 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यूरिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यूरिया भारत में किसानों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। यह एक कार्बनिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन एमाइड NH2 के रूप में पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। तो इसका सूत्र हमें याद रखना है, NH2CONH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका संगठन हम देखते हैं, नमी अधिकतम इसमें 1% होती है, नाइट्रोजन कुल मिला के इसमें 46% तक होती है। बायो रेट अधिकतम इसमें 1.5% हो सकता है। बायो रेट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें यूरिया के दो अणु जुड़कर बायो रेट बनाते हैं, जो फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि इसकी मात्रा 2% से अधिक हो तो यह फसलों के लिए हानिकारक हो जाता है। और गोल कण इसके होते हैं जो IS छलनी 320 से गुजर जाए। ये IS छलनी का एक प्रकार है जिसमें से गुजर जाए इसके कण, उस साइज के होते हैं। इसके गुण देखते हैं, सफ़ेद दानेदार रूप में पाया जाता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। इसको जल में शीघ्र ही घुलनशील होता है, यानी जल में जैसे ही डालते हैं जल में घुलनशील हो जाता है, जल में घुल जाता है। नमी शीघ्र ग्रहण करता है और इसमें कुल मिला के 46% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। तो ये इसके गुण हैं, इस प्रकार के दानेदार रूप में ये पाया जाता है। नंबर तीसरा पॉइंट है मृदा में अभिक्रिया। परीक्षा में अधिकतर इसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक उर्वरक का नाम दे दिया और उसके रासायनिक संगठन हमको लिखना है, उसका गुणधर्म हमको लिखने हैं, उसका फसलों पर प्रभाव, उसका मृदा में अभिक्रिया, चारों चीज़ें हमसे पूछी जाती है और ये बड़ा प्रश्न 4 नंबर का ही आता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में यानी NH2 समूह के रूप में पाई जाती है, जिसका पौधे सीधा उपयोग नहीं कर पाते। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, किसके रूप में, NO3 नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ पौधे जैसे धान के पौधे यूरिया को अमोनियम आयन NH4+ के रूप में ग्रहण करते हैं, तो एमाइड के रूप में पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मृदा में उपस्थित यूरियस एंजाइम है, इसके द्वारा यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसका विघटन अमोनियम और कार्बोनेट आयन में हो जाता है। तो ये यूरिया है, NH2CONH2 मृदा में जल होता है, तो जलीय माध्यम में यूरियस एंजाइम के साथ क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट NH4O2CO3 के रूप में बदल जाता है और अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम और कार्बोनेट आयनों में विभक्त हो जाता है। धान के पौधे सीधे अमोनियम आयन का उपयोग कर लेते हैं लेकिन बाकी पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते, तो इसके लिए अमोनियम आयन नाइट्रेट आयनों में बदल जाता है। सबसे मुख्य बात यह होती है कि अमोनियम आयन का निकसालन नहीं होता, क्योंकि ये मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाता है।
मृदा में अमोनियम आयन का निम्न प्रकार से उपयोग हो सकता है। अमोनियम आयन का कुछ भाग पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ही ग्रहण करती है। अमोनियम आयन कुछ मात्रा में मृदा क्लोराइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, जो बाद में फसल के लिए काम में आ जाते हैं। अमोनियम का सूक्ष्म जीवाणु द्वारा नाइट्रीकरण हो जाता है, यानी NH4+ को नाइट्रेट NO3- में जीवाणु द्वारा बदल दिया जाता है। अमोनियम आयन अमोनिया के रूप में वायुमंडल में विसरित हो जाता है। तो चार प्रकार से मृदा में इसके उपयोग हो सकते हैं। सीधे पौधे उपयोग कर लेते हैं, जैसे धान की फसल कुछ मात्रा में क्लोराइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में बदल जाते हैं, और या अमोनिया गैस के रूप में इसका वायुमंडल में ह्रास हो जाता है। तो मृदा में यूरिया से एंजाइम होता है, जो यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है। अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम और कार्बोनेट आयन बनते हैं। तो अमोनियम आयन का नाइट्रोसोमोनास एक प्रकार के जीवाणु मृदा में पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोसोमोनास द्वारा ऑक्सीकरण होता है और इनसे नाइट्राइट आयन बनते हैं। कौन से आयन बनते हैं? नाइट्राइट NO2- आयन बनते हैं, जिनको नाइट्राइट आयन कहते हैं। साथ में जल बनता है, और सबसे मुख्य बात है यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन बनती है। ये नवजात हाइड्रोजन मृदा क्लोराइड्स के लिए, मृदा के लिए और फसलों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो मृदा में उपस्थित कैल्शियम को यह हाइड्रोजन आयन यहाँ से विस्थापित कर देंगे मृदा से, तो मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। तो ये नवजात हाइड्रोजन पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद में नाइट्राइट आयन का फिर ऑक्सीकरण होता है, पर यहाँ पे जीवाणु होता है नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट आयन नाइट्रेट आयनों में बदल दिए जाते हैं, और अधिकांश फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण कर लेती है। यूरिया का अम्लीय प्रभाव, जैसा कि हम जानते हैं अमोनियम आयन कैल्शियम आयनों को विस्थापित कर देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि अमोनियम आयन मृदा क्लोराइड्स पर उपस्थित कैल्शियम आयनों को वहाँ से विस्थापित कर देते हैं, और कैल्शियम यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इसका लीचिंग हो जाता है, इसका निक्सलन हो जाता है। दूसरा, नवजात हाइड्रोजन भी मृदा क्लोराइड्स कणों से कैल्शियम आयनों को विस्थापित करके मृदा की अम्लीयता को बढ़ाते हैं। तो जैसे कैल्शियम क्ले है और ये नवजात हाइड्रोजन है, जो अमोनियम आयनों के नाइट्रेट आयन बनते समय मुक्त होते हैं, तो ये नवजात हाइड्रोजन कैल्शियम आयनों को विस्थापित कर देते हैं, जिससे मृदा अम्लीय बन जाती है। तो यूरिया का अधिक प्रयोग, आवश्यकता से अधिक प्रयोग, अनियंत्रित मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो मृदा का अम्लीय बनने का पूरा डर वहाँ पर रहता है। नंबर 4, फसलों पर इसके प्रभाव हम देखते हैं। मृदा या खड़ी फसल में इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग कीटनाशकों के साथ भी किया जा सकता है। पत्तियों पर छिड़काव यानी पर्णीय छिड़काव हेतु भी यह प्रभावशाली एवं उत्तम उर्वरक होता है। यूरिया की आधी मात्रा फसल बोते समय, शेष मात्रा फसल में सिंचाई के समय देते हैं। सभी प्रकार की फसलों हेतु प्रभावशाली एवं लाभदायक उर्वरक है। 2% से अधिक बाई यूरेट इसमें होने पर यह फसलों के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान रखें कि बाई यूरेट की मात्रा अधिक नहीं हो। यूरिया के लिए वायु संचार, उचित ताप एवं नमी का होना आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड आयन के रूप में पाई जाती है, एमाइड समूह के रूप में पाई जाती है, जिसका पौधे सीधा उपयोग नहीं कर पाते। उचित वायु की मात्रा में, जहाँ पर वायु संचार उचित प्रकार का होता है, वहाँ पर सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील होते हैं। उनके लिए नमी और तापमान भी उपयुक्त प्रकार का होना चाहिए, ताकि सूक्ष्म जीव ठीक प्रकार से कार्य कर सके। यूरियस एंजाइम यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है, और अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम आयन बनते हैं। तो उनको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट आयन में बदला जाता है। तो इसके लिए वायु संचार, नमी और ताप का होना भी आवश्यक है। यूरिया की मृदा में अभिक्रिया से नवजात हाइड्रोजन बनती है, जो हमने पहले भी देखा है, जिससे हाइड्रोजन आयन मृदा क्लोराइड्स पर अधिशोषित होकर मृदा को अम्लीय बनाते हैं। अतः यूरिया का लगातार प्रयोग करने से मृदा
अब पीएच कम हो जाता है, मृदाएं अम्लीय बन जाती है। यूरिया अमोनियम सल्फेट की तुलना में कम अम्लीय होता है, जो अमोनियम सल्फेट है उसकी तुलना में यूरिया थोड़ा सा कम अम्लीय होता है। 100 किलोग्राम यूरिया से उत्पन्न अम्लीयता के उदासीनीकरण के लिए 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। यूरिया से प्राप्त अमोनियम आयन का निक्सालन नहीं होता, क्योंकि अमोनियम आयन मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाता है तथा समय समय पर नाइट्रीकरण द्वारा पौधों को उपलब्ध होता रहता है। बायूरेट कारखानों में अधिक उच्च तापमान के कारण यूरिया की दोनों इकाइयां मिलकर, इसके दो अणु मिलकर बायूरेट बनाते हैं, जो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं और 2% से अधिक इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। और NH2CONH फिर CO फिर NH2 ये बनता है, जिसको हम बायूरेट कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने यूरिया के बारे में जाना, इसकी संरचना, इसके रासायनिक गुण, इसकी मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव के बारे में जाना। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप लगातार स्टार साइंस देखते रहिए।